केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं मिला है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की स्कीम है उसे अब कांग्रेस पार्टी कॉपी कर रही है। यही भारद्वाज जी सरकार कहना चाहेंगे, आरोप लगाया है कि जो उनकी गारंटी और स्कीम है वो आप लोग कॉपी कर रहे हैं। हिमाचल में 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की आज़ादी के लिए कार्यकर्ता देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए दो दो प्रचार किया था, वो पार्टी चोरी कर सकती है। इस तरह के शब्दों से मैं समझता हूँ कि बचना चाहिए किसी, ये कहते हुए कि हमने उनकी कोई चीज़ें चोरी की है। आप क्या उन्होंने 500 रुपए का गैस सिलेंडर किया है? राजस्थान में हमारी सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 500 रुपए का गैस सिलेंडर किया। अब जो दिल्ली में करना चाहिए वो ना करके, वो डिलीवर ना करके, उनकी उनका तो रास्ता ये रहा कि 49 दिन में जब सरकार बनी तो हमारे सहयोग से बनी, हमारे MLA के समर्थन से मुख्यमंत्री हुए केजरीवाल से, और जब वो सरकार गिरी तो ये कहते हुए हमारे MLA को तो कॉन्फिडेंस में दिया ही नहीं है। ये कहते हुए हम तो कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगते जी, किस तरह की भाषा, धमकी और अहंकार की भाषा है। और हम चाहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी हो जी, हम तो जन लोकपाल लाएंगे। आज 8 साल हो गए, 2 बार और मुख्यमंत्री वो बन गए, हैं जन लोकपाल। हम पूछना चाहते हैं स्वराज सब किसका है, क्या उनका चुराया कांग्रेस? कांग्रेस किसी की कॉपी कर ले या कांग्रेस चोरी कर ले ये हम नहीं मांगते। हमारा ये कहना है अगर कोई अपना समर्थन मांगने की बात है, हमने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दिल्ली के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि संघीय ढांचे पे चुनी हुई सरकारों को अधिकार पूर्ण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का कांग्रेस पूरी तरह स्वागत। अनिल जी, एक सवाल यह है कि सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली सरकार की गारंटी थी जैसे कि बसों में महिलाओं को भी सुविधा, उसके साथ ही बिजली बिल माफ, ये तमाम जो उनकी स्कीम और गारंटी है उसको सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी कॉपी करी। मेरा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी इस तरीके के बयान देकर दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस पर? नहीं, पेटेंट करा रखा है उन्होंने इन सब चीज़ों के, हम उनके किसी चीज़ को चुरा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और जो दबाव की बात है, कांग्रेस ऐसा राजनीतिक दल जो पूरी तरह डेवलपमेंट है, हमें आज है हमारे केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने दिल्ली की यूनिट से, पंजाब की यूनिट से चर्चा भी की और किसी मीटिंग से पहले कि भाई क्या उनकी सोच है हम दिल्ली के नेतृत्व और पंजाब के लीडरशिप की और क्या जनता की भावना, उस पर चर्चा हुई है। अब फैसला किस तरह का है, किस तरह का समर्थन मांगा जा रहा है, ये केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष है। आप अगर मीडिया के माध्यम से हमसे बात कर रहे हैं तो हम तो उस भाषा पे भी नहीं जा रहे, लेकिन भाषा की मर्यादा या ध्यान उनको भी रखना चाहिए। अगर वो समर्थन मांग रहे हैं उससे पहले कांग्रेस को इस तरह के आरोपित कर रहे हैं तो उन्हें इससे बचना चाहिए। तो बनाने की कांग्रेस कभी दबाव में काम नहीं करती, कांग्रेस का नेतृत्व दबाव में नहीं आता किसी। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर 2024 में सारा विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो प्रधानमंत्री कभी इस देश में चुनाव नहीं होता। देखिए, ये भविष्यवक्ता हो गए, अब वो भविष्यवक्ता है सौरभ जी हमारे भाई है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि क्या हो जाएगा वो उनकी चिंता हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इस देश में आज़ादी के बाद 62 साल किए, हमने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की संविधान से काम करने का हमेशा रास्ता रहा है। और हमें ये बताने की आवश्यकता शायद नहीं है किसी को, हमने तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, जो इस तरह से हमारे हर प्रदेश में, हर यूनियन टेरेटरी में, हर जगह हमारी यूनिट है, संगठन है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के उस पर सब पे सोच के आगे बढ़ना। तो हम ये मानते हैं कि इस तरह का जो कहते हैं कि हमें मार्ग ना दिखाएं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो हम पे ठीक है। तो ये थे कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल भारद्वाज जी का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह का आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मनहार कर रही है।